तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो हम आपके लिए लेके आए, जो कि हमारे पास आज ये हीरो की पैशन प्रो BS6 बाइक है। और इसका हमने हालांकि फुल इंजन हाफ इंजन का काम किया था, और अभी जो फ़िलहाल हम इसमें टाइमिंग चेन सेटिंग करने वाले हैं। और ये बिल्कुल नया टाइमिंग चेन है, और टाइमिंग चेन की जो यानी कि लिंक है वो 92 लिंक की इसमें टाइमिंग चेन लगती है। और इसे हम फिट करेंगे और आपको पूरा प्रूफ के तौर पे हम दिखाएंगे और बताएंगे भी यानी कि किस तरीके से आप टाइमिंग चेन को लगा सकते हैं। तो फाइनली टाइमिंग चेन लगाने से पहले हमारी गाइड सही होना चाहिए, और जो हमारा टेंशनर होता है वो सारा चीज़ सही होना चाहिए, तभी हमें यानी कि टाइमिंग चेन अगर हम लगाते हैं तो टाइमिंग चेन की जो साउंड है वो बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो जाती है, ज़रा सा भी साउंड नहीं रहती है। तो इस तरीके से हमें पहले चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें टाइमिंग चेन को सेटिंग करना चाहिए। अगर लगे आपको कि हमारा टेंशनर ख़राब है, गाइड ख़राब है, तो उसे भी यानी कि हमें चेंज करना चाहिए। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे हमने टाइमिंग चेन को अंदर की ओर लगा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों ये स्पॉकेट जो होता है इसे हमें यहाँ पर सेटिंग करना है। तो इस पॉकेट जो हमें सेटिंग करना है, तो वो सेटिंग करने से पहले इस पॉकेट का टाइमिंग मिलाने से पहले हमारा जो क्रैंक होता है वो यानी कि क्रैंक और पिस्टन हमारा बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए, जो कनेक्टिंग है हमारा वो बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। और अगर जो हमारा मैग्नेट है वो मैग्नेट दोस्तों हमारा मैग्नेट की जो चाबी होती है हमारी, तो वो यानी कि ऊपर की ओर होना चाहिए। इस तरीके से हमें टाइमिंग यानी कि सेट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर हम स्प्लेंडर बाइक की अगर टाइमिंग चेन सेटिंग करते हैं तो उससे भी यानी कि ज़्यादातर इसमें आसान है। अगर आप हमारी वीडियो एक बार देखते हैं तो ये मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि आप यानी कि एक बार में ही सीख जाएंगे किस तरीके से पैशन प्रो BS6 बाइक का टाइमिंग चेन लगाना है और टाइमिंग सेटिंग करना है। यहाँ पे जो हमें टेंशनर लगाना है, ये एक पैकिंग होता है जिसमें हमें थोड़ा बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। ये अभी खुला है तो इसे हमें क्या करना है, इसे यानी कि ऊपर की ओर इस तरीके से खींच लेना है। खींचने के बाद फिर हमें यहाँ पे इसे लगाएंगे। अगर वो हमारा खुला रहता है और अगर हम इसे लगा देते तो ये हमारा यानी कि पूरा सेटिंग पे नहीं आता, इसे हमें लूज करके लगाना चाहिए। आपने देखा अभी टाइमिंग चेन यानी कि बिल्कुल लूज है, और यहाँ से इस तरीके से एक पत्ती के ज़रिए से हमें खोलना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो इस तरीके से यानी कि हमें टाइमिंग चेन को सेटिंग करना होता है। जितने भी टेंशनर वाली बाइक होती है यानी कि टाइमिंग चेन होती है उन सभी में, फिर हमें यहाँ पे टेंशनर का जो 10 नंबर का बोल्ट था उसे हमें लगा देना है। तो यहाँ पे जो मैग्नेट की चाबी है ये हमारी ऊपर की ओर होना चाहिए, ये ऊपर की ओर, और जो एक बिंदी का निशान होता है हमारा इस पॉकेट में वो हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें टाइमिंग यानी कि सेट करना है। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतने ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।